आज मैं आपको ये कोरिएंडर धनिया जिसे हम हर सब्जी में यूज़ करते हैं उसको मैं बिल्कुल छोटे से पॉट में उगाना बताऊंगी ऑर्गेनिक तरीके से। उसके लिए हमें कौन सी सॉइल चाहिए और कैसा उसको पानी देना है और कैसी उसको धूप चाहिए, इसके बारे में मैं सभी बातें इसी वीडियो में बताऊंगी आपको। और इसकी अपडेट भी मैं टाइम टू टाइम देती रहूंगी। ये मेरे पास पॉट है, बहुत छोटा पोट है, इसके खोल बहुत बड़े हैं, तो इस वजह से मैं ये पुराना टावल, कॉटन का टावल लगा दूंगी। आप अगर आपके पास नहीं टावल, कोई पुराना कपड़ा कॉटन का है, तो आप इसको अच्छी तरह नीचे बिछा दें, क्योंकि हमारे जो ये प्लांट्स हैं, धनिया है, जैसे धनिया, मेथी, पालक और सरसों का साग, इनको पानी खूब मात्रा में चाहिए, बट इतना हो कि ये गीले नहीं रहे, इनको वेट सा चाहिए, मॉइस्चराइज सा चाहिए। अब हम करते हैं अपने सॉइल की बात। ये मैंने गार्डन सॉइल ली है, 50% सैंड, रिवर सैंड, जमुना रेत। ये मैंने 20% काउ डंग लिया है। आप जब भी कोई प्लांट लगाएं और ऑर्गेनिक तरीके से लगाते हैं, तो उसमें आप काउ डंग का यूज़ और वर्मी कंपोस्ट का यूज़ ज़रूर करें, काउ डंग और काउ यूरिन का। तो आप देखेंगे कि आपकी सॉइल, अगर आप हार्वेस्ट कर लेते हैं अपना ये जो भी आपका उगाया हुआ है, तो उसके बाद भी आपकी सॉइल रिच सी रहती है। इसमें कैल्शियम देने के लिए मैं ले रही हूँ एग शेल के को ब्रिक पीस के उसके क्रिस्टल से, और ये वर्मी कंपोस्ट, और इसमें मैं ये ताज़ी निकली हुई चाय की पत्ती डाल दूंगी। वैसे मैं सुखा के चाय की पत्ती का पाउडर बना के रखती हूँ, वो मैं यूज़ करती हूँ। हमारे सभी पौधों को, प्लांट्स को एनपीके की ज़रूरत होती है, एनपीके और पोटाश, कैल्शियम, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब हमारे प्लांट्स को, हमारे सीड को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तब वो जर्मिनेट होता है और बहुत अच्छी तरह से वो हमें फसल देता है। अब हम क्या करेंगे, जो ये कोरिएंडर के बीज हैं, इनको हम दो दो टुकड़ों में कर लेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ, आप हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसके सिर्फ दो पीस करना, इसको चूरा नहीं करना। मैं दिखाऊंगी आपको कि दो पीस हो, आप देखेंगे इसके बिल्कुल छोटे छोटे दो पीस हो गए हैं। और इधर हम सॉयल मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इस गमले में भर लेंगे। सॉइल को आप गीला कर लें और नीचे तक ये गीली हो जानी चाहिए सॉइल हमारी। आप गोलाई में भी इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं अगर आप क्यारी टाइप बनाना चाहें, बट ये छोटा गमला है, गोलाई में है, तो आप इसको गोलाई में ही स्प्रिंकल कर दें। इसके ऊपर आप हल्की हल्की एक लेयर बना दें। वैसे तो हमारे यहाँ अब कोई चिड़ियों की या किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम, क्योंकि हम इसको अंदर ही रखेंगे, सर्दी ज़्यादा होने की वजह से इसको अंदर ही रखेंगे, और पर फिर भी इसको कवर कर देंगे ताकि जब हम वाटरिंग करेंगे तो हमारे बीज नीचे से और ऊपर से अब सॉइल में कवर हों, तो वो अच्छी तरह से जर्मिनेट होंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि आप कभी भी ये मत सोचें कि अब सर्दी है, पानी कम दें प्लांट्स को, तो आप कभी भी ये गलती मत करें। आप पानी इतना दें कि हमारी जो सॉइल है वो सोगी बनी रहे, ना कि ज़्यादा गीली। जैसे गमला एक भरा हुआ होता है पानी में, उसको मत भरें। और इसके साथ ही आप एक काम और करें, सर्दी के मौसम में अगर आपको कोरिएंडर जल्दी चाहिए, तो आप इसको
पोलाथीन के लिफाफे में कवर करके रख लें। अगर आपने दो गमले भरने हैं, तीन लगाने हैं, तो उस हिसाब से आपको कोरिएंडर मिलता रहेगा। अब हम इसको तीन या चार दिन के बाद एक आप मेरे व्यूअर से रिक्वेस्ट है मेरी कि हमेशा जब भी आप प्लांट्स लगाते हैं कोई सब्जी का या फल या फूल वाला, तो आप धैर्य से काम लें, तो आप आराम से देखेंगे 5 या 6 दिन के बाद हमारी ये धनिया जो है वो फूटना शुरू हो जाएगा। धनिया को ग्रो किए हुए हमें 5 दिन हो गए हैं, आज हम देखते हैं। वैसे मैंने वाइट कलर का ये पॉलिथीन लगाया था कि यहाँ से दिखाई देता रहे, तो मुझे दिख रहा है कि ग्रीन ग्रीन से छोटे छोटे प्लांट्स उग गए हैं, तो वो हम देखते हैं। एक मैं आपको ये दिखाने से पहले एक मैं और बात भी बताऊंगी कि मैंने जो ये शावर लिया था, जो मैं इसको मैं स्प्रे कर रही हूँ, उसमें मैंने तकरीबन 10 ड्रॉप्स इसमें यूरिन के, काओ यूरिन के डाल दिए थे, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए एक बहुत अच्छी खाद है। तो आप काओ डंग का और काओ यूरिन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें ताकि हमारी सॉइल जो है वो रिची बने। ये हमारी 5 दिन की जर्मिनेशन है। उसके बाद मैं फिर आपको तकरीबन 15 दिन के बाद की जर्मिनेशन दिखाऊंगा। आज हम देखेंगे कि इसकी 20 दिन की जर्मिनेशन धनिया की कैसी हुई है, और मैंने टाइम टू टाइम आपको सभी फर्टिलाइज़र और सभी बातों के बारे में बता दिया कि इसको हमने कैसा पानी देना और कैसा काओ डंग और यूरिन देना। आप देखेंगे कि बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में सीड बहुत कम ग्रो होते हैं। पर ये मैंने पॉलिथीन लगा दिया, पॉलिथीन ढक दो या कोई आप मोटा कपड़ा ढक दो, तो उससे जो सॉयल में गर्मी बनेगी सॉयल के मॉइस्चराइज से और इसकी गर्मी से, तो हमारे सीड फूट जाएंगे और वो जो बहुत जल्दी जर्मिनेट हो। तो अब हम सिर्फ 1 महीना या उससे आगे 1 या 10 दिन के बाद, 1 महीना 1-10 दिन के बाद, 40 दिन के बाद इसको हम खोलेंगे। इसको वैसे मैं यहाँ धूप वाली जगह पे रख दूँगी जहाँ पे इसको पूरी अच्छी तरह धूप मिले। धूप की वजह से ये और भी ज़्यादा खिल के बाहर आएंगे कोरिएंडर। फोर्टी डे के बाद आप देख रहे हैं कोरिएंडर ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। और एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया इस दीवे में, जो हम दीपावली पे जगाते हैं दीवे सरसों का तेल भर के या देसी घी भर के, उसमें भी मैंने ग्रो किए कोरिएंडर, तो उसमें कुछ फूटे हैं और मैं वो भी दिखाऊंगी कि उसकी रूट्स कैसे बनी हैं। और अब मैं एक बात आपको और दिखाऊंगी, जब हम ऐसी चीज़ें लगाते हैं तो उनमें खरपतवार, जैसे ये घास है, घास और ये खरपतवार हो जाते हैं, तो इनको आप टाइम टू टाइम निकालते रहें। इस तरह से आप अगर निकाल देंगे तो ये हमारे प्लांट्स को आगे बढ़ने में रोक नहीं लगाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये गुड़ाई भी हो जाती है इससे और हमारे प्लांट्स को अच्छा पानी और अच्छी खुराक भी मिल जाती है। इस तरह से आप निकाल दें, जड़ों के साथ ही इसको निकाल दें। और दूसरे नंबर पे ये है कि आप अगर इसकी कटिंग कर लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप ऊपर से इसको आप कैंची से इसकी रूट के पास से काट लें जितना आपको चाहिए, उसके बाद आप एक काम और करें कि इसमें कंपोस्ट, जो हमारा गाय का गोबर है बिल्कुल डीकम्पोस्ट हुआ हुआ है, या फिर वर्मी कंपोस्ट, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मैं काओ डंग को ही यूज़ करती हूँ, तो उसको आप इस तरह से फैला दें सारे प्लांट्स पे जितनी आपने कटिंग की है, तो और उसके बाद आप शावर से पानी दे दें, तो आप देखेंगे कि तकरीबन 10 दिन के बाद, क्यों अभी मौसम बहुत ठंडा है, 10 दिन के बाद इसकी वही ग्रोथ फिर हो जाएगी। तो ये हमारा जो धनिया, हम तकरीबन
5 या 6 बार इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में रख के। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी, अगर आपकी किचन में थोड़ी सी भी धूप आती है, कोरिएंडर को अच्छा पानी चाहिए, अच्छी धूप चाहिए, अगर धूप आती है तो आप इसको रसोई घर में भी रख सकते हैं और ताज़ा काट के आप सब्जी में भी डाल सकते हैं। और इसकी खर पतवार आप ज़रूर निकालते रहें। एक बात मैं और दिखाऊंगी, यहाँ पे जो ये इनकी रूट्स बहुत बड़ी बनी है, जो मैंने गमले में लगाया है, ये आप देखेंगे इसकी रूट्स बहुत बड़ी बड़ी बनी हुई हैं। बट जो मैंने दिए में लगाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे हिसाब से वो बहुत कम रूट्स वाले बने, ये आप देखेंगे। इसकी रूट्स बहुत कम बनी है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, इसकी रूट्स ऐसी बनी है, जो हमने गमले में लगाया था उसकी रूट्स काफ़ी लंबी बनी हैं। तो ये बस उसके हिसाब से इसने ग्रोथ की है। दिए में भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट ही किया है। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।